और यहाँ पे बर्फबारी हो गई है और काफी ठंड बढ़ गई है और हमारी कुल्फी भी जम गई है। और बारिश और अभी हम स्वीट फॉल आ गए हैं और बैक साइड में हमारे स्वीट फॉल है। और अभी शिकार के लिए तैयार हो गए हैं, शिकार करने के लिए। हाय विवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ ब्रजेश। आज मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी घूमने के लिए विद माय बेटर हाफ। से हेलो। और काफ़ी एक्साइटेड है, मेरी फर्स्ट ट्रिप होगी मिस प्रियंका के साथ। और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। चलो गुवाहाटी। ये एक्चुअली जो हमारी ट्रिप है 6 to 7 days की ट्रिप होगी। इसमें गुवाहाटी, शिलोंग और चेरापूंजी और आगे देखते हैं क्या प्लान बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, चलते हैं फिर मिलते हैं गुवाहाटी। तो कैसा लग रहा है फिर आपको? अमेजिंग लग रहा है, मजे आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं, उल्टे चल रहे मेरे। मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, मजे ले लिए। अच्छा तो घूमना नहीं है? घूमना नहीं है, देख बादल हो रहे हैं उड़े। बैठा पीछे होकर बैठ जा, पीछे होकर बैठ जा, गिर जाएगी इधर। फाइनली हम गुवाहाटी एयरपोर्ट आ गए हैं। तो प्रिया जी, आपका कैसा रहा सफ़र? बहुत थकान भरा हुआ, हम लोग बहुत थके हुए हैं अभी। दौड़ के आए थे आप जो थकान भरा रहा? अरे अभी तो शुरू भी नहीं हुआ यार। थक गए, फर्स्ट फ्लाइट थी। हाँ। प्रिया की ये, और ये एयरपोर्ट का व्यू है काफ़ी अच्छा। वेदर थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ सर्दी नहीं है बट अच्छा वेदर है। जैकेट में थोड़ी गर्मी लग रही है, देखते हैं आगे। अभी बाहर निकलने के बाद पता चलेगा कैसा वेदर होता है। टैक्सी आ गई है हमारी बाहर पिक करने के लिए, और देखते हैं अभी कॉन्टेक्ट करके कहाँ है हमारी टैक्सी। अभी हम होटल जा रहे हैं, तो मौसम अभी अच्छा है इधर का, ज़्यादा कुछ सर्दी वगैरह नहीं है। टेम्परेचर मतलब कि 25 के अराउंड टेम्परेचर होगा। 24 चेक किया था, बताया था ना। अच्छा 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 अच्छा, तो वेदर अच्छा है। बाकी देखते हैं, चेक इन करते हैं, देन उसके बाद घूमने का क्या प्लान बनता है। फिर थोड़ा सा टायर्ड हो गए हैं क्योंकि सुबह से जल्दी से उठे हुए थे। फाइनली हम होटल आ गए हैं। ये हमारा होटल है, नीट एंड क्लीन। और हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल,
मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया है, चेकआउट भी कर लिया था और भैया ने हमें पिक कर लिया है। हमने एक टैक्सी हायर की है, अशोक देव भैया नाम है इनका टैक्सी जो है, ड्राइवर जो हमारे हैं, और ये हमें घुमाएंगे कामाख्या देवी टेम्पल। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के बाद, देन हम जाएंगे तिरुपति बालाजी और दो तीन मंदिर और जगह है वहाँ पर विजिट करने के बाद हम निकलेंगे शिलोंग। अभी होटल से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और आज के हमारे सारथी हैं अशोक भैया। से हेलो अशोक भैया। और अभी ट्रैफिक थोड़ा सा है यहाँ पर सिटी में, जाम है क्योंकि जब हम कल एयरपोर्ट से भी आए थे तो तब भी हमें काफ़ी जाम मिला था, तो अभी भी थोड़ा सा, अब सिटी से बाहर निकलने के बाद जाम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोड पे, तो इस वजह से जाम है। अभी मंदिर में हम एंट्री करने वाले हैं, ये बैक साइड में पूरी शॉप से जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं पूरा ये, और ये वाला यहाँ पर है कामाख्या देवी टेम्पल। सनलाइट बहुत अच्छी आ रही है, एकदम काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडी थोड़ी ज़्यादा है नहीं कुछ खास, तो चलते हैं बंदे देखते हैं कैसा रहता है इधर। अभी मंदिर में एंट्री करने से पहले आपको वैक्सीनेशन कूपन लेना पड़ेगा, जो ये पूरी लाइन में लग के, देन आप वैक्सीनेशन कूपन लेने के बाद आपकी एंट्री वहाँ पर होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये पहले चेक करेंगे, नाम नोट करेंगे आपको वैक्सीनेशन लगी है या नहीं लगी है वो देखेंगे। और अभी हमने प्रसाद भी ले लिया है, माता जी के दर्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और ये माता जी का मंदिर है, काफ़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स शादी के बाद और माता जी के दर्शन, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कामाख्या देवी टेम्पल का एंट्री गेट है और आगे की तरफ हम जाएंगे, जो आपको ऊपर की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है ये जर्नल लाइन है, ये काफ़ी लंबी है, 1 किलोमीटर लगभग ये लंबी पूरी लाइन है। अभी हम एंट्री करने वाले हैं यहाँ पर वीआईपी लाइन से, ये हमने वीआईपी टिकट्स ले ली हैं, 500 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से वीआईपी एंट्री टिकट है, और पीछे से एंट्री करके हम ऊपर जाएंगे और माता जी के दर्शन करेंगे। अभी हमने कामाख्या देवी माता के दर्शन कर लिए हैं, वहाँ से काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं हमारे, और काफ़ी अभी क्या टाइम हो गया है 12:40 टाइमिंग है अभी, और अभी हम जा रहे हैं भीमाशंकर टेम्पल। यहाँ से है अराउंड 14 किलोमीटर है कामाख्या टेम्पल से भीमाशंकर टेम्पल, और गर्मी थोड़ी सी बढ़ गई है, ज़्यादा कोई सर्दी नहीं है, दिसंबर का टाइम है तो काफ़ी वैसे अच्छा वेदर है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। तो कैसे दर्शन हुए आपके? अच्छे दर्शन, बढ़िया है, घूमने वाली चीज़ है।
थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है कि वीआईपी से अगर आपको दर्शन करने हैं तो जल्दी नंबर आ जाएगा। जर्नल से अगर सुबह मॉर्निंग में लगेंगे तो 4 बजे नंबर आएगा आपका। लेकिन ये कि मेरे को अच्छा प्लस पॉइंट भी है, पर थोड़ा सा मंदिर में ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट और नॉर्मल ट्रीटमेंट होनी नहीं चाहिए, वो तो सबके लिए सारी चीज़ें सेम होती हैं। फिर भी जैसा है ठीक है, काफ़ी सारी मंदिर में होता है ऐसा, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। चलो अभी आगे नेक्स्ट मंदिर में चलते हैं, वहाँ का आपको दिखाते हैं कैसा रहते हैं। बाय।